मंगल पांडे, जन्म 19 जुलाई 1827 नागवा, मृत्यु 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर। पूर्ण नाम मंगल पांडे। राष्ट्रीयता भारतीय। प्रसिद्ध कारण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पालक अभिरानी पांडे और दिवाकर पांडे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। जीवन परिचय की बात करते हैं। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सुरहूरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सुरहूरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। जमींदार ब्राह्मण को भूमिहार कहा जाता है। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रिकशन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। दोस्तों एक बार और समझिए, देखिए, विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर के उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख
दोस्तों ये ना मतभेद है कि मंगल पांडे, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि 19 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैज़ाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलचू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के न मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। विद्रोही का परिणाम, दोस्तों संयोग से मैं भी भूमिहार ब्राह्मण ही हूँ जो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेज़ी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। दोस्तों एक बार सारांश के रूप में हम देख लेते हैं। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा बलिया भारत में हुआ। मृत्यु 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर भारत में हुआ। व्यवसाय बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही, प्रसिद्ध कारण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक मान्यता हिंदू। दोस्तों मंगल पांडे को मेरा सलाम कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी और हमें एक आज़ाद भारत दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।